दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल सबके। वेलकम टू द क्लासेस, द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लासेस फॉर बीकॉम। दोस्तों आप सबका सेकेंड ईयर का सेमेस्टर का सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट अभी आने वाला है और थर्ड सेमेस्टर के क्लासेस भी आपके कॉलेजेस में स्टार्ट होने वाली हैं। थर्ड सेमेस्टर में आपका एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का सब्जेक्ट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, इन द सेंस एकेडमिकली इम्पॉर्टेंट वो तो है ही हमेशा, लेकिन उसके अलावा रियल लाइफ में ये सब्जेक्ट आपकी बहुत मदद करेगा, बहुत ज़्यादा यूजफुल सब्जेक्ट। आप देखिए, अगर आपके माता पिता किसी भी प्रकार का कोई भी काम करते हैं, जैसे हो सकता है बिजनेस करते हो सकता है कोई प्रोफेशनल हो, डॉक्टर है तो डॉक्टर की प्रैक्टिस है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस है, कोई इंजीनियर है तो मे बी इंजीनियरिंग में प्रैक्टिस कर रहे हो, आर्किटेक्ट है प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर आपके माता पिता कहीं पे नौकरी करते हैं, अगर सरकारी नौकरी है तो बहुत अच्छी बात। तो हर व्यक्ति को, चाहे कोई प्रोफेशनल हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे वो नौकरी करने वाला हो या एज ए स्टूडेंट, अगर आपका भी कोई सोर्स ऑफ इनकम है तो हम सबको, आपको, मेरे को, आपके माता पिता को, मेरे माता पिता को, आपके भाई बहनों को, मेरे भाई बहनों को, सबको अपने इनकम टैक्स की चिंता बहुत होती है। हम कितना कमाते हैं, उस कमाई के ऊपर कितना सरकार को टैक्स देना है, टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसके बाद अपनी रिटर्न सबमिट करनी है, 50,000 तरह के प्रश्न मन में हर समय चलते रहते हैं। इन सभी प्रश्नों का जवाब और अपने टैक्स लायबिलिटीज को किस प्रकार से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, अपनी इनकम ऑप्टिमाइजेशन और टैक्स लॉस को हम लोग किस प्रकार से बेस्ट यूज करके अपने टैक्सेस को मिनिमाइज, अपनी इनकम को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इन सारी चीजों से रिलेटेड हमारा एक सब्जेक्ट विद द नेम कॉल्ड इनकम टैक्स थर्ड सेमेस्टर में है। एकेडमिकली इंपॉर्टेंट है, यस यस, और उसके अलावा रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जसप्रीत सिंह जौहर आपकी मदद करूंगा इस टैक्स के सब्जेक्ट को समझने के लिए और अच्छे तरीके से, और सिर्फ समझना नहीं, इसको रियल लाइफ में हम लोग इंप्लीमेंट कैसे करते हैं या कैसे कर सकते हैं, अपने टैक्सेस को किस प्रकार से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग क्लास के अंदर चर्चा या डिस्कशन करेंगे। एकेडमिकली ये सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसको साथ साथ में रियल लाइफ के साथ कोरिलेट करते करते हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने 2004 में सीए क्वालिफाई किया था, और 2004 में सीए क्वालिफाई करने के बाद से अब इस समय 2017 में अभी हम लोग हैं, तो लास्ट 13 ईयर्स से मैं टैक्सेशन का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, आईपीसीसी लेवल पे भी और सीए आईपीसीसी के साथ साथ बीकॉम लेवल पे भी। पिछले 10 या 13 सालों में भगवान ने बहुत 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 कामयाबी दी है, बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का। और इस कामयाबी में जो स्टार्स या स्टार परफॉर्मेंस रहे हैं वो है फर्स्ट रैंक होल्डर सीए आईपीसीसी के अंदर नीतीश, सेकेंड रैंक होल्डर सीए आईपीसीसी के अंदर आस्था, टॉप स्कोरर्स सीए आईपीसीसी के अंदर वरुण, और अभी दो अटेम्प्ट्स पहले भवानी, और इसके अलावा बीकॉम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अलग अलग ईयर्स में या अलग अलग सेमेस्टर्स में अपने कॉलेजेस के अंदर रैंक्स स्कोर करी हैं और नाम रोशन किया है। मयूर कुमार मोरे दिल्ली यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर 1 गोल्ड मेडलिस्ट, शिभिका सरधाना गोल्ड मेडलिस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास्ट ईयर्स के अंदर, ये स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से ही पढ़ के आगे बढ़े हुए हैं। ये कुछ चार परफॉर्मेंस के बारे में मैंने आपको बात बताई है, साथ साथ में सब्जेक्ट के बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है टैक्सेशन का, उससे रिलेटेड हमारी तरफ से आपको एक बुक दी जाएगी, दिस विल बी द बुक दैट यू विल बी प्रोवाइडेड विद, ये किताब आपको दी जाएगी।
ये जो किताब है, दिस बुक विल बी रेलेवेंट एंड विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स जो बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं या बीकॉम प्रोग्राम कोर्स कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी के। लेकिन एट द सेम टाइम आई डू अंडरस्टैंड कि हमारी आईपी यूनिवर्सिटी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर भी बीकॉम के बहुत 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 सारे स्टूडेंट्स हैं, और जो बीकॉम के स्टूडेंट्स इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में हैं, आपके लिए भी मेरे दोस्तों ये वाली किताब उतनी ही यूजफुल रहेगी जितना बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए है। साथ साथ में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग SOL यहाँ पे लिखा हुआ है। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की अगर हम लोग बात करें तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग SOL के जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के लिए भी ये वाली बुक बहुत यूजफुल रहेगी। आपका भी सारा कोर्स कंटेंट इस किताब के अंदर 100% कवर किया गया है। तो दिस बुक इज रेलेवेंट फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बीकॉम ऑनर्स जो कर रहे हैं, बीकॉम प्रोग्राम्स को जो कर रहे हैं, जिनका थर्ड सेमेस्टर अभी जुलाई में स्टार्ट होने वाला है, और उसके साथ साथ में जो स्टूडेंट्स स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं एंड आईपी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के लिए भी ये बहुत बहुत यूजफुल किताब है। ये किताब का 14th एडिशन है जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 13 times ये वाली बुक स्टूडेंट्स को इशू करके दे चुके हैं। Now this is the 14th edition that we have come up with. ये जो 14th edition है, ये 14th edition relevant है BCom के exams के लिए, जहाँ पे assessment year 17-18 previous year 16-17 use होगा। आप क्योंकि अभी इस subject में बिल्कुल नए हैं, शायद आपको assessment year word का meaning या previous year word का meaning समझ में नहीं आया होगा, इस चीज को लेके आपने परेशान नहीं होना है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग भी सीख लेंगे। ये किताब मेरे द्वारा लिखी गई है, पब्लिश की गई है। मेरा पूरा नाम है जसप्रीत सिंह जौहर। दोस्तों आपके जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आपको सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है, वो सारा का सारा सिलेबस मैंने आपको यहाँ पे बुक के अंदर लिख के दिया हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का सिलेबस जो कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS का सिलेबस है, वो सारा सिलेबस मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये सिलेबस बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम पास कोर्स दोनों के लिए जो भी सिलेबस है वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है। अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें, अगर आप इसे बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो इसके अंदर आपका जो पेपर है उस पेपर का 3 घंटे का ड्यूरेशन है, उसके बारे में लिखा हुआ है। देन आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट को, पूरे के पूरे सिलेबस को इन्होंने 5 units में डिवाइड कर दिया है। Unit number 1 इज रिलेटेड टू द बेसिक इंट्रोडक्शन, Unit number 2 इज रिलेटेड टू कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। हमारे पास 5 heads होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम ऑफ अदर सोर्सेज, 5 heads हैं। तो 5 heads को इन्होंने यहाँ पे क्लासीफाई किया है। Unit number 3 में भी हमारे पास हेड्स ऑफ इनकम्स के बारे में बात हो रही है। Unit number 4 में टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशंस के बारे में बात हो रही है। Unit number 5 में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न किस प्रकार से हम लोग सबमिट करते हैं उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे पूरे सिलेबस को 5 units में डिवाइड किया गया। ये बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस है, अगर आप यहाँ पे अच्छे से इसे पढ़ पाए तो। दोस्तों जैसे बीकॉम ऑनर्स के सिलेबस को इन्होंने 5 units में डिवाइड किया है, बिल्कुल उसी प्रकार से बीकॉम प्रोग्राम को उसका जो सिलेबस है उसको भी 5 units में डिवाइड किया गया है। इवन दैट हैज बीन डिवाइडेड इन द 5 units, और सेम या फिर मैं ऐसे बोल दूं सिमिलर 5 units इन्होंने यहाँ पे भी दी हुई है। आप देखिएगा यहाँ पे भी हमारे पास आ रहे हैं Unit 1 बेसिक इंट्रोडक्शन, Unit 2, Unit 3, Unit 4 एंड देन वी हैव Unit number 5। तो बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस और बीकॉम प्रोग्राम का उसका सिलेबस फॉर द सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन इन बीकॉम इज 100% सेम। उसमें बिल्कुल भी कहीं पे दोनों में बदलाव नहीं है, सिलेबस एग्जैक्टली सेम है। और मैंने भी अपनी तरह से प्रयास किया है, कोशिश करी है।
मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं अपनी कोशिश में पूरा उतरूंगा। मैंने भी अपना सारा का सारा बुक का कंटेंट 5 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है एज पर द सिलेबस प्रिस्क्राइब बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करें तो ये पूरी किताब का कंटेंट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पूरी किताब हमारे पास है, इसका कंटेंट दैट इज इसका इंडेक्स मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके अंदर अगेन हमारे पास यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, और ये यूनिट बिल्कुल उसी प्रकार से डिजाइन है जिस प्रकार से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हमें बताया है। वही टॉपिक्स इसके अंदर दिए हुए हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर प्रिस्क्राइब्ड हैं, और 5 यूनिट्स मैंने आपको इसके अंदर कवर अप करके दे दिए हैं। सो दिस बुक इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर द सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन फॉर योर बीकॉम, एंड दिस इज फॉर द करंट सेमेस्टर। और जो SUL के स्टूडेंट्स हैं, SUL वाले स्टूडेंट्स, आपका जो एग्जाम होने वाला है 2018 मई में, उसके लिए भी ये वाली किताब बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। मैंने इस पूरी किताब के अंदर पिक्टोरियल फॉर्मेट बनने दिया हुआ है, और अगर आप किसी भी टॉपिक में अगर देखें, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास आता है रेसिडेंशियल स्टेटस के नाम से, तो रेसिडेंशियल स्टेटस में मैंने इस प्रकार से पिक्चर्स बना के दी हुई हैं, और बहुत सारी स्पेस मैंने ब्लैंक रखा हुआ है। इन सभी ब्लैंक स्पेसेस के अंदर मैं आपको अपनी तरह से कुछ लिखवाऊंगा, कुछ अंडरस्टैंडिंग हम लोग डेवलप करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे मैं अगर फर्स्ट चैप्टर में चलूँ तो फर्स्ट चैप्टर में आप देख पाएंगे यहाँ पे इंडिया का एक फिजिकल मैप मैंने आपको दिया हुआ है, एक और मैंने मैप आपको दिया हुआ है। इस प्रकार से पूरी किताब के अंदर पिक्टोरियल फॉर्मेट पिक्चर्स बहुत सारी हैं, बहुत सारी पिक्चर्स हैं और बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस हैं। हम लोग ये सारी पिक्चर्स को पढ़ते हुए, देखते हुए, उनको एनालाइज करते हुए हम पूरी की पूरी किताब को अपने बीकॉम के सिलेबस के लिए कवर अप करेंगे। ये एक बहुत छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी सा वीडियो है, और इसके अलावा आने वाली क्लिपिंग्स के अंदर, आने वाली वीडियोस के अंदर मैंने आपको कुछ टॉपिक्स की डिस्कशंस आपके साथ करी हैं। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, आपके पास नीचे चैनल के ऊपर सब्सक्रिप्शन का बटन है, वो बटन दबाइएगा, लाइक का बटन दबाइएगा, उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन वहाँ पर दबा दीजिए। जैसे हम लोग अपने कुछ वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, वीडियोस आपके पास पहुंचते रहेंगे, आपको उससे बहुत ज़्यादा उसकी मदद मिलती रहेगी। क्लासेस हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में, हमारा अपना कोचिंग सेंटर है विद द नेम कॉल्ड ज्ञान गुरुकुल, हम लोग वहाँ पे कोचिंग क्लासेस कंडक्ट करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप फेस टू फेस क्लास लेना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। अपार्ट फ्रॉम दैट वीडियो क्लासेस, सारी 100% वीडियो क्लासेस भी अवेलेबल है, 100% वीडियो क्लासेस भी अवेलेबल हैं। आप अगर हमारी क्लासेस परचेस करना चाहें तो मेरे नाम के साथ में यहाँ पे जो टेलीफोन नंबर नीचे लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं आप, नीचे नाम और नीचे टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, आप इस टेलीफोन नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली टू परचेज द क्लासेस। एंड सिर्फ क्लासेस नहीं, हम आपको क्लासेस के साथ ये वाली बुक भी देंगे, होप टू लिसन फ्रॉम योर साइड वेरी वेरी सून। बाय बाय।